गोलू के किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं क्रंची पोहा। पोहा बनाने के लिए मैंने लिया है एक बाउल नायलॉन पोहे का, दो कटे हुए आलू, दो कटे हुए प्याज, तीन कटे हुए टमाटर, दो कटे हुए हरी मिर्च, मूंगफली और हरे मटर। क्रंची पोहा बनाने के लिए सबसे पहले हम एक पैन लेंगे और इसमें डालेंगे 5 से 6 चम्मच तेल के। तेल के गर्म होते ही हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच रई, 1 चम्मच जीरा डालेंगे, आधा चम्मच हींग डालेंगे। अब हम इसमें डालेंगे कटी हुई प्याज, कटे हुए आलू डालेंगे। अब इन दोनों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे, जब तक ये गल नहीं जाते। अब हम इसमें डालेंगे 2 कटी हुई हरी मिर्च। अब हम इसमें डालेंगे मूंगफली के दाने। इन सब को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हरे मटर डालेंगे। अब हम इसमें डालेंगे टमाटर। इन सब को अच्छी तरह से मिक्स करके 2 मिनट पकाएंगे। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, 1 चम्मच हल्दी डालेंगे। इन सब को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे कटा हुआ हरा धनिया। अब हम इसमें ऐड करेंगे नायलॉन पोहा। इन सब को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और गैस की आंच को बिल्कुल ही धीमा रखेंगे। अब ये पोहे अच्छे से मिक्स हो गए हैं। हमें इसे तब तक पकाना है जब तक ये थोड़े से क्रिस्पी ना हो जाए। क्रंची पोहा बनकर तैयार है। तो लीजिए, बनकर तैयार है क्रंची पोहा। आप इसे गर्म ही खाएं।